हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज का जो हमारा कंटेंट है वो बेसिकली एयर प्रेशर पे है कि बाइक की टायर्स में एयर प्रेशर का क्या इम्पोर्टेंस है। तो बहुत लोग फोकस नहीं करते इस चीज़ों पे, जिसको जो मर्जी मतलब अपने हिसाब से ही लोग अभी तक तो टायर में हवा भरवाते आ रहे हैं। एयर फिलिंग आप लोग गैस स्टेशन पर ही करा लेते हैं या बाहर में कहीं भी इंडिविजुअल जगह पर एयर प्रेशर फिल करा लेते हैं, लेकिन किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया कि अगर ऐसा हम लोग हमेशा करते रहें फॉर अ लॉन्ग टाइम तो आपके टायर्स में कितनी प्रॉब्लम आ सकती है, क्या इश्यूज आप फेस कर सकते हैं। तो आज उसी चीज़ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपके अगर टायर में गलत हवा भरी जा रही है बहुत टाइम से, बहुत लो प्रेशर आप रखते हो और कुछ दिन चला लेते हो, या फिर लगातार आप सही प्रेशर नहीं भरा रहे या बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर है, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। तो अभी मैं आपको उसी के ऊपर पूरा डिटेल बताऊँगा कि क्या इससे आपको नुकसान हो सकता है। गाइज, बहुत लोग अपने बाइक के टायर्स में जब हवा फिल कराते हैं रियर और फ्रंट टायर्स में, तो या तो वो जो टायर फिल कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली भरा लेते हैं कि जो सही है आप डाल दो या अपने हिसाब से, और या तो बहुत लोग टेक्निकली भी जाते हैं कि बाइक के टायर्स पे दोनों ही रियर और फ्रंट टायर्स पे मेंशन होता है नीचे में कि इतना मैक्सिमम प्रेशर जो है इस पे आप टायर को फिल करा सकते हैं। तो अगर उस पे 33 फॉर एग्जांपल मेंशन है या 35, तो लोग फिल करा लेते हैं 35, तो जो कि बिल्कुल सही नहीं है। वो मैक्सिमम प्रेशर होता है कि इतना टायर फिल मतलब झेल सकता है, तो आप एकदम एग्जैक्ट उतना ही मत भराओ, एक या दो पॉइंट उससे कम भराओ तो ज़्यादा बेहतर होगा, टायर की लाइफ ज़्यादा होगी, वो बेहतर होता है। और अगर एग्जैक्ट आपको जानना है कि आपके टायर के लिए क्या बेस्ट एयर प्रेशर होगा दोनों ही टायर्स के लिए, तो जो आपको बाइक के साथ ओनर मैनुअल मिलता है वो यूज़र मैनुअल में एकदम अच्छे से ये मेंशन रहता है, डिटेल डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि आपको कितने कितने एयर प्रेशर दोनों ही टायर्स में रखने हैं, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो गाइज, अगर आपके बाइक में हवा कम पे आप बाइक चला रहे हैं या बहुत ज़्यादा कम रख रहे हैं या कम है और उसे वैसे रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, तो क्या क्या नुकसान आपको फेस करने पड़ेंगे, जैसे कि प्रॉब्लम्स आप क्या फेस करते हो, उनमें से कुछ पॉइंट्स हैं जैसे ब्रेकिंग आपकी उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी अच्छी होनी चाहिए आपकी बाइक की, इनिशियल पिकअप की अगर बात करें तो वो भी बहुत ही अच्छी नहीं आपको मतलब लगेगी, पिकअप जितना उसको पकड़ना चाहिए बाइक को वो पकड़ नहीं पाएगी, हैंडलिंग की अगर बात करें तो हैंडलिंग बहुत ही भारी आपको फील होगी, कंफर्टेबल उतनी नहीं होगी। और जो मेन प्रॉब्लम है वो है माइलेज के इशू आप फेस करेंगे, आपकी माइलेज कम हो जाएगी अगर आप रेगुलर चला रहे हो कम मतलब बहुत कम ही अगर एयर प्रेशर हो टायर में, तो ये फेस आप कर सकते हैं। गाइज, अगर आपने अपने बाइक में कुछ ज़्यादा ही हवा अगर भरा ली है तो उसका भी नुकसान है, एयर प्रेशर कुछ ज़्यादा ही तो मैक्सिमम तक भी नहीं फिल करा लेना है इस परेशानी से कि बार बार मुझे मेंटेन करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, तो ये गलत है। इससे आपको इससे भी दो तीन प्रॉब्लम्स हैं जो फेस कर सकते हैं, जैसे कि इसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि टायर बर्स्ट भी हो सकती है, आपकी टायर फट सकती है, और दूसरी प्रॉब्लम आएगी कि आपको रोड ग्रिप उतना बढ़िया नहीं मिल पाएगा अगर कुछ ज़्यादा ही एयर आपने भरा रखा है तो। तीसरी प्रॉब्लम ये भी आ सकती है कि जब भी आप ब्रेक लोगे अचानक से बहुत ज़्यादा स्केट होने की प्रॉब्लम आएगी, बाइक आपकी स्केट होगी, रोड पे बहुत ज़्यादा स्केट होने लगेगी। और अगर आप कंफर्ट की बात करें तो उतना अच्छा कंफर्ट आपको फील नहीं होगा बाइक में, तो मैं कहूँगा अगर मुझसे आप पूछें तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि बाइक में जो एग्जैक्टली बताया गया है एयर प्रेशर जैसा होना चाहिए आप वैसा ही भराएं। और अगर आप ऐसे एरियाज लोकेलिटीज़ में रहते हैं जहाँ रोड बिल्कुल बहुत ख़राब है, तो जो मेंशनड है आपके ओनर मैनुअल में, जैसा कि मैंने सजेस्ट किया था कि ओनर मैनुअल में जो एयर प्रेशर मेंशनड है रियर और फ्रंट के लिए वही टायर में फिल कराए एयर, तो अगर आपके लोकेलिटी में मतलब मेन रोड जैसे चिकने रोड नहीं है और बहुत ही ख़राब रोड है, तो जो मेंशनड एयर प्रेशर है उससे एक या दो एयर प्रेशर रखें ताकि आपके टायर को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। और बस यही मैं आज के वीडियो में आप लोगों से बताना चाहता हूँ। तो गाइस, अगर आपको थोड़ा भी वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।